गुड मॉर्निंग क्लास है. टुडे वी विल अंडरस्टैंड साइंस चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं. व्हाट जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कौन सा जोन है जो फ्लेम का गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार जो है यूज करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए. तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजा था फ्लेम बनाने के लिए कैंडल की, उसी से आप इसे समझ भी सकते हैं. ठीक है, तो देखेंगे कौन सा जोन है वो यूज करता है गोल्ड स्मिथ. आंसर देखेंगे, गोल्ड स्मिथ यूज इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. जो गोल्ड स्मिथ है यानी कि सुनार है वो सबसे आउटर जोन जो होता है फ्लेम का वो यूज करता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. तो ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, आउटर मोस्ट जो जोन होता है फ्लेम का वो सबसे हॉटेस्ट होता है, इसलिए सुनार जो है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए सबसे आउटर जोन को यूज करता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 केजी ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट 4.5 केजी फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न हो गया है. द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 180,000 केजी. केजी मतलब किलो जूल. ठीक है, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. ठीक है, आपको क्या है, एक 4.5 केजी फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका है, उसने कितनी 180,000 किलो जूल जो है हीट उसने प्रोड्यूस की, आपको उसकी कैलोरीफिक की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले आपको कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ फ्यूल. तो आपको दोनों चीज दी गई है, हीट प्रोड्यूस कितनी है 180,000 किलो जूल और मास ऑफ फ्यूल कितना दिया गया है 4.5 केजी. तो आप लिखेंगे इसी तरह 180,000 किलो जूल अपॉन 4.5 केजी. तो 4.5 में से पॉइंट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18,00,045. तो हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 40,000 किलो जूल प्रति केजी यानी किलोग्राम. तो ये आपका आंसर निकल के आ गया. आपको इस तरह ये क्वेश्चन को करना है अपनी नोटबुक में. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट्स.